हेलो गाइस, अ वेरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस चैनल इज फॉर सीबीएसई जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर रिमेनिंग बोर्ड। गाइस, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज भी वीडियो के अंत में कुछ ना कुछ खास है और अपने दोस्तों से शेयर एंड सब्सक्राइब करवाते रहेंगे ताकि नोटिफिकेशन का घंटी आपका स्क्रीन पर आ सके। गाइस, ये मेरा गारंटी है कि आपको इस चैनल में जुड़े रहने से आप लोग को तीन चीज की बचत होगी, टाइम, एनर्जी और मनी। आपको कहीं भी ट्यूशन आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हेडफोन लगाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चलते हैं गाइस, आज एक नया टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कि जनरल एंट्रेंस पास करने से पहले क्या क्या शर्त को माने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर यहाँ से आप ये जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम को, शर्ते को जो है फॉलो करना पड़ेगा, गाइस ये पूरा आपका नियम जो है चेंज हो जाने वाला है। पूरा यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार होगा कि आपको जनरेटिस जो है आपको गाना में देखने को मिलेगा। गाना में हम लोग जनरेटिस पास करेंगे, लेकिन गाना में पास करने से पहले गाइस आप लोग को जो जो मैं नियम यहाँ पे बोर्ड में लिखा हूँ, उस नियम को आप लोग जो है अपना माइंड में बैठा लीजिएगा। देखते हैं गाइस क्या क्या आपका नियम है। तो पहला नियम है गाइस, जब भी एंट्रेंस पास करेंगे तो गाइस अपने आप को सबसे पहला जो है अपने आप को आप लोग बिजनेस मानिएगा, कोई दूसरा चीज नहीं मानिएगा, ना तो बिजनेसमैन मानना है, सिर्फ आपको जो है अपने आप को जो है बिजनेस मानना है। क्या बोले कि जब भी एंट्रेंस पास करेंगे तो सबसे पहले जो है अपने आप को जो है बिजनेस मानना है, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है गाइस कि जब भी आप जनरल एंट्रेंस बनाएंगे तो एंट्रेंस बनाने के ड्यूरिंग में अगर आपका प्रश्न में, क्वेश्चन में अगर आपका मुद्रा दिया हुआ है, मनी दिया हुआ है, तभी उस प्रश्न का आपका जनरल एंट्रेंस पास होगा। ये था सेकेंड रूल। गाइस थर्ड रूल क्या है कि आपके पास जो है जब भी जनरल एंट्रेंस पास करना जाएंगे तो आपके पास एक स्केल होना बहुत ही जरूरी है, वो भी लंबा वाला स्केल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है हम लोग जो है आपका स्केल के थ्रू ही बनाएंगे। तो एक स्केल आप लोग ले लीजिएगा लॉन्ग वाला। चौथा क्या है गाइस, लंबा वाला अच्छा कॉपी होना चाहिए, और जो भी आप कॉपी परचेज कीजिएगा लॉन्ग वाला बढ़िया पेज वाला परचेज कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत ही आसान पड़ेगा। गाइस ये था आपका चौथा। और पांचवा जो है गाइस, ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट, जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। जर्नल का फॉर्मेट जो है गाइस आपका ब्रेन में होना चाहिए, लेकिन गाइस मैं आप लोगों के सामने आज मैं लिख भी दिया हूँ कि गाइस यहाँ पे देखिए आपका जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगेन आपका डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे एलएफ लिखा हुआ है, डेबिट अमाउंट रुपीज और अमाउंट क्रेडिट रुपीज, ऊपर में जो होगा इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बिजनेस का नाम होगा और जनरल एंट्रेंस होगा गाइस। तो ये था गाइस आपका पांच शर्त। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है गाइस, अपने आप को बिजनेस माना, ये पहला जो है गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका कि प्रश्न में आपका मुद्रा दिया हुआ होना चाहिए, तभी एंट्रेंस पास होगा गाइस। गाइस मैं आप लोग से रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एंट्रेंस बनाने से पहले मैं आप लोगों के लिए आपको जो है 24 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ। तो सारा वीडियो को 1 से लेकर नीचे वाला जो इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया हूँ वहां से लेकर 24 वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, तो एंट्रेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि सारा जो बेसिक है, अकाउंटिंग टर्म्स है, मैं पीछे वाले वीडियो में 1 by 1 करके मैं बता चुका हूँ। अगर वो सारा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको जरा सा भी आपको गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है गाइस। आज भी गाइस मैंने बोला था कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आज भी मैं गाइस आप लोग के सामने एक आपका बहुत ही अच्छा आपके लिए एक बात लाया हूँ, उस बात को अच्छा से ध्यान से सुनिएगा गाइस। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ गाइस, जिंदगी में जो भी आपके पास है उससे खुश रहे, जो चीज आपके पास नहीं है उससे दुख ना हो गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिन उनके पास जो चीज है उसी से दुख रहते हैं, नहीं जो चीज नहीं है उस पे क्या होते हैं लोग आपका बहुत ही पछतावा करते हैं और उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, अपनी जिंदगी बिता देते हैं गाइस। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप जो है अगर डेली आप 10 रुपया कमाते हैं तो उससे खुश रहे गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो 10,000 कमाने के लिए भी सोचते हैं, वे लोग जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना भोजन के लिए जो है नाली का जो
जो गंदगी होता है वहां से निकाल कर हम लोग भोजन खाते हैं गाइस। तो मैं आप लोग से रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो चीज है आपके पास उससे खुश रहना सीखिए और आगे बढ़िए, पीछे चीज जो चीज चला गया है उसको आप भूल जाइए गाइस। तो गाइस यहाँ पे ये था आपके बारे में। गाइस आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करवाइए, और ध्यान दे गाइस अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो वहां पे उसके बाद एक बेल आएगी, और बेल आने के समय में वहां पे प्रेस करने के बाद आपका और लिखा हुआ रहेगा ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा सीधा ऑल पे क्लिक करने के बाद आपका वीडियो जो आपका सीधा स्क्रीन पे पहुंच जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद।